नमस्कार पौधों के प्रेमियों, आप सबका नेचर फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिस प्लांट से आपको मिलवा रही हूँ वो गेस्ट प्लांट है, या कह सकते हैं बिन बुलाए मेहमान हैं। ये प्लांट मेरे किचन गार्डन में अपने आप ही उगाया है, ये ज़्यादातर अपने आप ही उगाता है। इसका नाम आप लोग शायद जानते होंगे या फिर बहुत कम ही लोग जानते होंगे, अर्बन गार्डन तो शायद ही से जान पाते होंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, ये भांग का पौधा है जो कि अपने आप ये उगाया है मेरे किचन गार्डन में। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, मैंने पता किया और पता चला कि ये भांग का पौधा है। भांग का पौधा सुनकर के लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि भांग का पौधा इलीगल है लगाना। लेकिन दोस्तों ये अपने आप उगा है, और कुछ पौधे लगाने से या उग जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, इसे यूज करना इलीगल है, और ज़्यादा थोड़ा बहुत तो सभी लोग यूज करते हैं। ये भगवान शिव को बहुत पसंद है, शिवरात्रि में इसे बहुत लोग चढ़ाते हैं, तो मैं भी इस बार शिवरात्रि में चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। और होली में इसकी पत्तियों को लोग दूध में पीस करके डाल करके भांग पीते हैं। लेकिन कभी इस सब कहने की बातें हैं, आप ऐसे बिना जानकारी का हमें नहीं लेना चाहिए, तो मैं ना इस्तेमाल करूंगी ना करने के लिए सलाह दूंगी आपको भी कि ऐसे पौधे लगा करके आप और भांग पीस करके आप यूज करें, ऐसा कभी ना करें। वैसे तो ये हर्ब होता है, वीड हर्ब होता है, और इसकी बहुत खेती भी की जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग पौधा होता है, और इसमें मेल फीमेल अलग अलग प्लांट होता है, जिसके फूल और फल जो है नीचे की ओर झुक जाते हैं वो मेल होता है। जैसे ये मेल प्लांट है ये, तो हमें इसे खाने पर इसके फ़ायदे और नुकसान पे बातें नहीं करनी है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, इसके नुकसान भी बहुत हैं, लेकिन हमें इस पर नहीं जाना है। हमें अगर हमारे किचन गार्डन में आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं वो बताते हैं आपको। तो इसका यूज सबसे अच्छा है कि आप इसे जो है पेस्टिसाइड के रूप में यूज करें। किचन गार्डन में पेस्टिसाइड के रूप में बहुत अच्छा इस्तेमाल है इसका। इस पर ना कोई कीड़ा लगता है और ना इसकी वजह से कोई कीड़ा आसपास आपके प्लांट में लगेगा। या फिर इसे आप पीस करके आप इसका स्प्रे बना करके आप सारे प्लांट पे आप इसे छिड़काव कर सकते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत प्लांट है, इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है। बहुत हद तक ये मेरी गोल्ड से, गेंदे के पौधे की पत्तियों से मिलता है। इसे आप ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं। मुझे तो मेरा मन कर रहा है इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में हमेशा इस्तेमाल करूं, क्योंकि एक बार मेरे किचन गार्डन में आ गया है तो ये आता ही बना ही रहेगा। ये फिर से अगले साल ये उगाएगा, बिना उगाए बिना कुछ केयर किए बिना कुछ इसके साथ मेहनत करवाए ये बिना कुछ ये मेहनत करवाए। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, किचन गार्डन को ये ब्यूटीफाई भी कर रहा है। लेकिन ये इस तरह से मैं रख भी नहीं सकती क्योंकि जगह कम होता है किचन गार्डन में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कहीं एक जगह दूंगी, छोटा पौधा लगा दूंगी पूजा पे शंकर भगवान को चढ़ाने उड़ाने के लिए और ये पेस्टिसाइड बनाने के लिए। बीच में ये अपने आप उगाया है तो इसको एक प्लेस दूंगी। ये जगह मेरे किचन गार्डन को सूट नहीं कर रहा है इसको लगने के लिए। वीडियो बनाने के लिए इसे मैंने ग्रो करने दिया था, पर एक पॉट में एक छोटा पौधा मैं ज़रूर लगाऊंगी, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में सजाऊंगी इसे। गलती से ही ये प्लांट आ गया है, लेकिन मैं इसको बना के रखूँगी हमेशा, इसको कहीं ना कहीं ज़रूर लगाऊँगी रखूँगी ज़रूर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देख करके आपको भी लगाने का मन हो या फिर आपके किचन गार्डन में आ गया हो तो इसकी आप कद्र करें, ये कुछ हद तक यूजफुल है। इसे आप छोटे बच्चों से दूर रखें और पेट से दूर रखें, और ऐसे जगह पे लगा दें जो कोने में पड़ा हुआ हो, एक प्लेस अच्छा प्लेस देकर लगाएं इसे, तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा ये पौधा। और बाकी बातों पर इस पर ध्यान ना दें कि ये नुकसान करता है ज़्यादा खाना चाहिए या फ़ायदा करता है इसको, वैसे ये सब पे मत जाइएगा क्योंकि इसे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जानकार ही, आयुर्वेदिक जानकार ही ये सब काम करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए इसका फ्लावर बहुत सुंदर है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ दूसरे प्लांट के साथ, दूसरे वीडियो में, दूसरी जानकारी के साथ।